स्वागत है प्यारे दर्शकों, आप सभी को प्यार भरा सादर नमस्कार। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें, कल्याण करें, मंगल करें, ऐसी शुभ मंगल प्रार्थना आप सभी दोस्तों के लिए मैं करते हुए आज फिर से आप सभी के सपनों का फल लेकर हाजिर हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के उस वीडियो में गार्लिक देखना कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सपने में लहसुन देखा है, हो सकता है आपने बाजार में खरीदते हुए या बेचते हुए किसी तरह से भी देखा है, तो उसके तरह तरह के अर्थ होते हैं, तो एक अच्छा और दूसरा बुरा। तो अगर आप व्यापारी हैं तो दोस्तों अनाज अगर आपका व्यापार है अनाज का, तो दोस्तों आपके लिए ये सपना नुकसान वाला, हानि वाला है। आने वाले दिनों में आपके व्यापार में अनाज के थोड़ा सा घाटा नुकसान लॉस हो सकता है। तो दोस्तों सोच समझ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, और साथ साथ एक अगर आप आम आदमी हैं तो उस आपके लिए सपना अच्छा और शुभ संकेत वाला है, यानी कि आपके आने वाले दिनों में दोस्तों ये सपना लाभ के लिए है। आपको धन लाभ होगा, जिससे आपकी जो बहुत सारी स्थितियाँ थी वो सुधरेंगी और सुख पनपेगा। तो दोस्तों ये था सपने में गार्लिक देखना लहसुन का शुभ शुभ परिणाम। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। अगर आपने कुछ देखा है सपने में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट जानकारी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।